आपका बहुत बहुत स्वागत है नॉलेजेबल दुनिया चैनल में। करण जौहर की पारिवारिक गाथा कभी खुशी कभी गम ने 2001 में पूरे देश में तहलका मचा दिया था। एसआरके काजोल के जादू को फिर से देखने से लेकर पू को युवा लड़कियों के लिए आदर्श बनाने से लेकर ऋतिक रोशन को शहर में नई हॉटी के रूप में स्थापित करने तक फिल्म नए चलन स्थापित किए थे। यह फिल्म के सभी कलाकारों के लिए गेम चेंजर साबित हुई और आज भी इसे अब तक की सबसे यादगार ब्लॉकबस्टर में से एक माना जाता है। एक पावर हाउस मल्टी स्टारर जिसने इंडस्ट्री के कुछ सबसे बड़े नामों को एक ही फ्रेम में ला दिया। कभी खुशी कभी गम ने न केवल अपने भावनात्मक दृश्यों से दिल को छुआ है बल्कि कई मायनों में प्रतिष्ठित भी बन गई है। इस फिल्म को रिलीज हुए 22 साल से ज्यादा गुजर चुके हैं, तो आइए दोस्तों यादों की गलियों में चलते हैं और देखते हैं कि अब 2024 में आपके फेवरेट सितारे कैसे दिखते हैं। और मेरा यकीन माने, आप जब अब 2024 में अपने फेवरेट सितारों को देखेंगे तो आप भी शौक हो जाएंगे कि इन सितारों के चेहरों में कितना बदलाव आ चुका है। दोस्तों, आपसे शिकायत है कि आप बस वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं, ना ही आप वीडियो को लाइक करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत और पहचान है, इसलिए आप अपना सपोर्ट इस चैनल के साथ बनाए रखें। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने के साथ साथ आप इस चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि आप जब सपोर्ट करते हैं तो हमारा मनोबल और बढ़ता है और आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत और पहचान है। सपोर्ट करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें
ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो आए आपको सबसे पहले प्राप्त हो। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपको इस चैनल पर किस तरह की वीडियो देखना पसंद है। आपके मनपसंद की वीडियो इस चैनल पर जरूर अपलोड की जाएगी। तो फिर मिलते हैं अगली बार ऐसे ही एक धमाकेदार वीडियो में। आपका वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।